हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जो है जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोपे चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर जो है अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। देखिए, रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासन काल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत सिंह, अत्तर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हो गया। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, याद रखिएगा। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 को पेरिस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों के द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ, याद रखिएगा। और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध या जो युद्ध है 4 अप्रैल यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 अप्रैल 1769 को मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो मद्रास के संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय 1780 से 84 है, याद रखिएगा। हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलिलूर नामक स्थान पर जो है हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का जो सामना है अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ। 1781 में हैदर अली का सामना किससे होता है, तो अंग्रेज जनरल आयरकुट से, जिसने पोर्टोनोवा, पोलिलूर तथा सेलिंगूर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली के मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलौर की संधि
जो 1784 में हुआ। तो अंततः क्या हुआ, मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है समापन हुआ। यानी याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है यह मंगलौर के संधि के साथ समाप्त हो जाता है। और टीपू सुल्तान जो है यह श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाता है, और यहां जो है जैकोबियन क्लब की, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनुतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल जो है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1790 से 92। और याद रखिएगा समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए दिया जाता है या डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790-92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम के संधि मार्च 1792 के द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसके कुल के सदस्यों को वेलोर में जो है कैद कर दिया गया। जो टीपू सुल्तान था, इसके कुल के जितने भी सदस्य थे वेलोर में कैद कर दिया गया। और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और अस्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को जो है मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अंडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज में मिला लिया। बेगम समरू, समय याद रखिएगा 1750 से 1836 है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सामरे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सामरे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति के मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था, रणजीत सिंह के राज में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? तो सही जवाब है श्रीनगर, डी ऑप्शन। देखिए, रणजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालीन प्रभाव जो है यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न जो है टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने जो है 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर जो है रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सही जवाब है शुकरचकिया मिसल से। और प्रश्न संख्या थर्ड है, महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी, महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो लाहौर, सी ऑप्शन। शुरू में ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, और वापस जाते समय जब आक्रमण करने के बाद जब जमान शाह वापस जाने लगा तो वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी, और 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या फोर है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? रणजीत सिंह ने
सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से, याद रखिएगा। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसके मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि तथा कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों ने आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का जो है अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल के गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद के सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? सही जवाब है महाराजा रणजीत सिंह, ए ऑप्शन। इन्होंने यह बात कही कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। देखिए, रणजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासी के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद जिनमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, इन लोगों ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में इन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर जो है 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। प्रश्न संख्या 6 है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सही जवाब है खड़क सिंह। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। प्रश्न संख्या 7 है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? सही जवाब है, बताइए कौन था? दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। प्रश्न संख्या 8, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो देखिए, ए ऑप्शन जो है, ए कथन जो दिया गया है बिल्कुल सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, बिल्कुल सत्य है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार जो है 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस यानी फ्रांस में हो गया था। से सभी कथन जो है असत्य है। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न संख्या 9 है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है दलीप सिंह, ए ऑप्शन। देखिए, पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों के द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। प्रश्न संख्या 10 है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? मैंने बोला था, नाम याद रखिएगा। पंजाब के विलय के समय पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? तो देखिए, इसमें ए और डी जो नाम दिया गया है, एच एम इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ये दोनों जो है तीन की परिषद सदस्य नहीं है। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए तीन लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।
एच एम इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। 11 नंबर है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1766 से 69 ईस्वी। कौन इसमें विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था आपको बताना है। तो सही जवाब है हैदर अली। कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ, अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य यह युद्ध हुआ था। निजाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से जो है इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर जो है मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक जो है लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर जो है 4 मार्च 1769 को मद्रास की संधि की, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडिगुला मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? बताइए निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडिगुला मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है हैदर अली, बी ऑप्शन। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडिगुला पर विजयी प्राप्त कर ली। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बना या बन गया और 1777 ईस्वी में 1777 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, पुरसीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया कौन था? तो सर आयरपुट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरपुट से हुआ जिसने पोर्टोनोवा के युद्ध यानी 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। प्रश्न संख्या 14, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम में, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहां जैकोबियन क्लब की जो है स्थापना की और उसका सदस्य बना। 15 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका सही जवाब होगा टीपू सुल्तान, डी ऑप्शन। देखिए टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। 16 नंबर है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। इसका सही जवाब होगा पोलिलूर में, ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया। एक समझौता क्या किया, तो याद रखिएगा हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलिलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 17 नंबर है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी बताइए। सही जवाब है टीपू सुल्तान के साथ। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर जो मैसूर युद्ध है कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
का अवसान श्रीरंगपट्टनम के संधि यानी मार्च 1792 में हुआ था, इसके द्वारा हुआ। और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम के संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा, तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। याद रखिएगा, 18 नंबर है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? निम्नलिखित में से बताइए कौन एक सुमेलित है, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा, चलिए जो डी ऑप्शन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। बिल्कुल सत्य है डी ऑप्शन। यहां पे हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर विलस्ट था और युद्ध जो है 4 अप्रैल 1769 को मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसमें समय और मद्रास के संधि, ये दोनों बात जो है ध्यान रखिएगा, कब हुआ था और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1780-84 तक इसका समय है और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और यह युद्ध जो है 1784 ईस्वी के मंगलौर के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790-92 के बीच हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनुतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो संधि याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, तो देखिए जो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है कब हुआ था, किस संधि से समाप्त हुआ था और इस समय कौन से अंग्रेज गवर्नर जनरल था, ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, जो चतुर्थ है या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को क्या किया गया? वेलोर में कैद कर दिया गया। प्रश्न संख्या 20 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा, चलिए मिलान करते हैं, इलाहाबाद की संधि। बताइए, इलाहाबाद की संधि जो है इसका संबंध किससे है? इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784, और सालवाई की जो संधि है ये कब हुआ था? 1782, और मद्रास की संधि 1769। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब सुजाऊ दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 में
महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 के बीच 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, सही जवाब है सरधना में। बेगम समरू, समय 1750 से 1836 ईस्वी, इन्होंने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। 22 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब दीजिए, बताइए कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ए ऑप्शन जो है सही कथन नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं, रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपे, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान को है। और 23 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और तीसरा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, केवल तीसरा। देखिए, 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में या नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह पराजित किया। जेएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी खोया हो। कुछ परिवारों का तो सर्वनाशी हो गया था। 1790-92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम के संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में शाहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे। अतः केवल तीसरा कथन ही सत्य है। तो देखिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग वहां पे जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।